आप सब लोगों के प्रति मैं अद्भुत हूँ। शायद जीवन में इतना बड़ा सम्मेलन मैंने नहीं देखा और संचालन में किस तरह सभी लोगों को शामिल किया, ऐसा अच्छा संयोजन, सब लोगों को उचित सम्मान मिला। तीसरी बार इतने अधिक प्राउड और युवा शक्तियाँ आई हैं जो कि बहुत कम आजकल हो रहा है। चौहान साहब ने बहुत अधिक बातें कहीं, खुल करके कहीं, विवाद कहीं, हमें सोचने का मौका दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सब कुछ है, ये समाज के विकास में अंतर्विरोधों का खेल होता है। श्याम और काले मिलकर के हल्का भूरा रंग बन जाते हैं, तो इन अंतर्विरोधों के बीच में अब मैं दो उदाहरण दूंगा। एक हो संस्कृत के परंपराओं में साहित्य को हमेशा शहर से जोड़ा गया, ये कहा गया कि ये राजा इस महाकवि को महान का बीड़ा देते, ये राजा उस कवि का सम्मान, साहित्यकार का सम्मान करने के लिए उसकी पालकी में कंधा देते थे, ये सब पुरस्कार अतिक्रमण नहीं होगा। दूसरा मैं और उदाहरण दूंगा, ये तो हुआ आदर्श, रियलिटी क्या था? जब सोवियत यूनियन में क्रांति हो गई, लेकिन उज्बेकिस्तान पहुंचे, सारी औरतों को बुलाया जाए कि और कहा तुम सब लोग अपने बुर्के उतारो, तुम ही लोग उनको जलाओ। आज से सोवियत यूनियन में कोई स्त्रियां बुर्कियां नहीं है, ये सम्मान के पात्र हैं। और आज से तुम लोग मुक्त हो, कोई पर्दा नहीं होगा। और आप देखिए मुस्लिम संसार में जो तो पुरानी सोवियत की बातें थी, वहाँ कोई नारी पर्दा नहीं करती है, उसकी वेशभूषा अलग अलग है। मैं उस देश, अपने देश की वो कल्पना कर रहा हूँ जहाँ सचमुच यत्र नारी भोजन के बाद आएगी, अभी बिल्कुल नहीं आएगी। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ वहाँ तो अपहरण बलात्कार का रोज ही नाटक हो रहा है। 3 साल के दो साल के बच्चों से लगाकर 70 साल की औरतें जो हमारी दादी और नानी हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर्ण सिंह चौहान इन अंतर्विरोधों को समझे। दूसरी बात, अपने बात में आता हूँ, सुगरात ने बहुत बड़ी बात कही थी। ये बात कही थी उन्होंने कि स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में अंतर है। जो दर्शन की बात करता है वो स्टेट्समैन है, जो फिलोसॉफिकली देश को बनाता है, समाज को बनाता है, वो स्टेट्समैन है। और जो तोड़ जोड़ सत्ता का खेल खेलता है वो पॉलिटिशियन। गांधी स्टेट्समैन है, आप आगे बना रही है। आज देश में सत्ता का खेल चल रहा है। एक हफ्ते में पंजाब में मैंने देखा, हरियाणा में, कि 6-6 पार्टियां लोग बदल रहे हैं, 4 लोग मिलकर के नई पार्टी बना रहे हैं, क्या बन रहा है? तो यह है अंतर्विरोधों का खेल, इस देश में प्रचलन है और ये बनेगा और आगे बढ़ेगा। दो उदाहरण में ले रहा हूँ, अब एक लिए कि अर्ना डायबी ने कहा था कि किसी भी समाज का निर्माण, किसी भी संस्कृति का निर्माण क्रिएटिव आनर्टीज करते हैं, सृजनात्मक अल्पसंख्यक होते हैं जो करते हैं, नाटककार, नर्तक, साहित्यकार, चिंतक, ये है। अगर इनकी उपेक्षा होती है तो केवल एक राजा की स्थिति आती है और लोग पैतरे बदलते हैं, जिसको कहते हैं कि विज्ञान की तरह से शक्ल बदलना, बड़े बड़े लेखक इस शक्ल में बदल रहे हैं। जरा सा पर्दा झाँको तो कहते ना बेनकाब हो गए, बेनकाबी का खेल भी चलेगा। लेकिन 3 अग्नि के झटके लग रहे हैं देश में। सबसे बड़ा झटका दलितों का है, दूसरा आदिवासियों का है, और तीसरा नारियों का है। और अब ये शांत नहीं है, ये अग्रेसिव है,
ये प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध भी कर रहे हैं, इस बात को ना भूलें। इसलिए मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ वहाँ तो बहुत भटक रहे हैं, ये बात ध्यान देने की एक बात तो ये। तो सृजनात्मक अल्पसंख्यक जो है उनकी आप उपेक्षा ना करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पाई कि सृजनात्मक लोगों की रचना संस्कृतियों सभ्यताओं से जुड़ी है। हरदल चायबी ने जब विश्व इतिहास के समाज किया तो उसमें उन्होंने उन रचनाकारों के समाज को लिया है। अब आप देखिए कालिदास हो, सारी मेघदूत में अवंतिका रह गई, वानभट्ट हैं, सारे उस रचना में आप देखते हैं बिहार के बाद एकदम आप कटाव में आ जाते हैं। ये एक खूबी थी। हरीश भदानी में भी अगर हरीश भदानी को जानना है तो आप कब सबसे पहले आप इस शहर को जाए जिसको आप ने कहा है कि ये बिकरी है। बताया हमारे संजोर साहब ने यहाँ वो शौकत खानी भी हुए, हम कहेंगे कि यहाँ हरीश साथ साथ हरीश भदानी भी हुए। इसलिए आप सारे देश के बाहर अगर आपको ले जाना है इस शहर की खूबी तो शौकत खानवी और हरीश भदानी को ले जाना है। अगर आपको भारतेंदु को देखना है तो भारतेंदु और गालिब को अलग नहीं कर सकते। अगर आपको तुलसी को देखना है तो तुलसी और रहीम खाना खाना को खान खाना को अलग नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए कि ये साधा संस्कृति है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मौसम कोट ही करोगी पड़े। हम जैसे सैकड़ों लोग हैं कौन पूछता है, नक्सली तो कहा ठीक है तो डूब जाएंगे इसके कारण। लेकिन हरीश भदानी तुलसीदास मुक्तिबोध ये नहीं जाएंगे, इनकी ताकत क्या है। अब ये मैं निवेदन करना चाहूँगा चौहान साहब से कि जैसे मैंने कहा पहले आपको बताया कि कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए, दूसरी बात याद देखिए कि अब मैं भी थोड़ा दर्द अलग कह दूँगाता हूँ। 33 साल तक राज करने वाला का एक दल क्रांतिकारी बंगाल में कैसे निकाल दिया गया। कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखिए भाई जी आप लोगों की जो पीढ़ी थी पड़ोसी ने जिसको हिंट किया वो क्या थी, वो दल और पार्टी से जुड़ गई, विचारधारा गायब हो गई, दल और पार्टी में लाभ उठाने वाले, सत्ता पाने वाले, चापलूस पुरस्कार लेने वाले वो सब गाली दल में शामिल हो, चाहे कोई पार्टी हो। और जो विचारधारा वाले हैं वो या तो छोड़ गए, किनारे रख लिए और काट दिए गए। ऐसे लोग जो विचारधारा से जुड़ रहे वो धीरे धीरे किनारे चलते गए। इसलिए ये ध्यान रखिए ये छोटे शहरों में ही तब्दीली होगी। और ये का तार सब तक आया था छोटे छोटे शहरों से आया, बड़े शहरों से नहीं। इसलिए थोड़ा सा आप देखिए सब तक के कभी कौन कहा कैसे आ गए। तो हमें ये देखना है कि पार्टी दल से फायदा उठाना, दल में शामिल होकर के आज आया रहना कल गया रहना बन जाना ये करना है, तो विचारधारा के लिए कुर्बानियाँ करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रकाशकों से बात करिए कि आज एक बड़े सवाल उठा है मित्रों, इसकी बात मैं कह रहा हूँ कि नवयुवक जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहानी और कविताएँ बहुत हो गई, हमें विचारों का साहित्य दो जो हमें रोशनी दे आगे बढ़ाए, अर्थात ITI डॉक्टर इंजीनियरिंग ना बनाए बल्कि जिसे वो कहा है कवियों ने कि हमारे तो सम्राट ने भी पालकी उठाई है और पान दिया है। अब छोटा सा ही याची का कभी कभी बड़ी आदरणीय महिलाएं तो बहुत आदमी बोलते थक जाता है तो एक याची और लवू ले लेती है, मेरे ख्याल से वो तो हमने ऐसी कैसी महान हस्तियाँ हैं। और मैं तो मेरे तो तीन मूर्तियाँ हैं, मैं इस ताकत को समझता हूँ, बहुत बड़ी ताकत है
और मृत्यु के तीन ज्वालामुखी बढ़ते जा रहे हैं। गहलोत साहब से भी निवेदन है कि आप पाँच छः सालों को देख लेंगे तो देश बदले, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन भी प्रचंड हो जाएंगे कि प्रतिरोध प्रतिशोध बन जाएगा। इसमें बन रहा है, ये क्या बनेगा? तो बनेगा, इसलिए आज सब लोगों से निवेदन है युवा शक्ति से कि बहुत हो गया, कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर हो गए, आज तो इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है पंजाब में, यह नौकरी घूम रहे नकली नकली इंजीनियर हो गए। तो ये आगे करना क्या है? यहाँ प्रौढ़ और युवक लोग हैं, पहले उसी धारा से निकला ये देखा जाए कि आखिर विचार कहाँ ले जाएगा हमें, देश कहाँ ले जाएगा। एक जब तब्दीली आई इतना हजारे की, दूसरी तब्दीली आई केजरीवाल की, तीसरी तब्दीली आई वो हार्दिक की, और ये जो नए जो ज्वालामुखी सुलग रहे हैं बंदूक छोटे नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी चित्र को प्यार बन जाएगी और ये बन रही है। आप देख रहे हैं बहुत आसन देखने जा रहे हैं, तो ये अंतर विरोधियों को हम जान रहे हैं और इस उम्र में हमारी वो शक्ति तो नहीं रही, लेकिन कर्ण सिंह जानते हैं कि हम सब लोग बिल्कुल लामबंद होकर के साथ में लड़े, फिर भी लड़े। तो इन अंतर विरोधों को जरूर जाने, सबसे बड़ी चुनौती नारियों और युवकों की है। कितना भी बातें कर रहे हैं, इतना इतना अन्याय हो रहा है, रोज सुबह अखबार पढ़िए, दो घंटे दिमाग खराब रहता आप नहीं पढ़ पाते। मेरी बेटियाँ कहती हैं अखबार पढ़ना बंद कर दो, तो मैंने कहा बिल्कुल का धैर्य उनका काम नहीं, तो थोड़ा बहुत संवेदना और चेतना है देश के बारे में और संसार के बारे में वो भी खत्म नहीं आए। ये स्थिति है। अब हरीश भादानी कहते एक्टिविस्ट, इनको हम कहते हैं हवादार, अब एक्टिविस्ट और हवादार कम हो रहे हैं। ये तकलीफ तुम्हारी भी है, ये तकलीफ मेरी भी है। हम लोग छोटे छोटे घर के दरबों में जिनको की तरह से घर को चाहते हैं, देश को चाहते हैं, जरा सा समझा समझे रहे हम लोग, हम लोग को इस रहा है, जबकि करतार सिंह सराभा देश का पहला क्रांतिकारी था जिसको 16 साल जेल लगी, तिलक पहले थे जो कि जेल पहली बार जेल हो गई। ये एलावंस ये आइडियल सब कहाँ है, कहाँ वो युवक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बात बताता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते थे किसी सब्जेक्ट के सब पब्लिश हो जाते, और बनारस यूनिवर्सिटी में जो टॉपर होते थे वो सब सोशलिस्ट हो जाते, मैयावादी आचार्य जो अब कहना ना चाहिए बड़ी होगी। चंद्रशेखर हमारे मौसम में हिंदू के चौथे कमरे के आगे रहते थे, बड़े कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या, कभी मैं कौन से समझा या कभी कभी हमारे नए प्रधानमंत्री विकास क्या हो रहा है, ये कोई चमत्कार हो रहा है क्या? नहीं, इसको जानेंगे, अगर इसको तर्क से जानेंगे प्लस आप मैं ये कवर कर मैं रोम में घूम रहा हूँ, एक छोटी सी गली में गया उसके आगे रोमन भाषा में अंग्रेजी भाषा में जर्मन में लिखा था, ये सेंट ऑगस्टाइन की अकेडमी और दो कमरे थे, उन्होंने दर्जन अर्थात उन्होंने इतिहास को बचा लिया। मैं एक मिनट सेंट ऑगस्टाइन के बाद कर रहा और इसके दो, लेकिन उन्होंने एक एक चीज बचाई है, नक्शे जगह जगह है रोमन अंपायर के, यहाँ ये है यहाँ ये है यहाँ ये है यहाँ अरब तक पहुँच गए हैं। हम लोगों ने क्या किया, खजरा हो कि किसी के सर टूटा है किसी के पैर टूटे हैं, अजंता के पैनल्स खोद करके ले गए। 1959 में मैंने एक
लास्ट में एक अंतिम बात तक बोला चुका था, इसमें जहाजियों का धन दौड़ रहा था, कमाल का है, अगर तक किताबों में कहीं नहीं आया मैं अगले साल आते तो उसको चीफ ऑफ प्राप्त करेंगे, अगले साल मैं गया निकला वो बोल रहा है ये क्या है बोलो। बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं और घर में हम जो घर की नारियों के बारे में बच्चों के बारे में उनकी आज़ादी के बारे में शायद बड़ा युवा इसका है। हरीश भदानी मैंने बहुत यश सुना है, सलाह दिया, बहुत बड़ा काम किया, तो केवल हरीश को मुझे किया है मैंने को माता सुनाया तो उसके उनके बारे में आया पता है भारत जी ने किस तरह से कविता के बारे में उनको देखिए राष्ट्रीय पोएट्री उनका मिलन बिंदु एक है, सर्वश्रेष्ठ कविता अंततः वैश्व हो जाती है, वैश्व पोएट्री बिकम फिलोसफ हो। लेकिन आप फिलासफी की बात करोगे तो कह देंगे आप पार्टीजन हैं, आप गुटवाद हैं, तो क्या करें, आप गांधीवाद का प्रचार करोगे तो बात मिलेगा नहीं, अगर आप गौ माता और गंगा जी का करोगे तो कुछ नहीं तो चल जाएगी, क्या ना देश में चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए जब पोल्ट्री ग्लासी की ये क्वेश्चन आप कैसे बताएंगे ये बताइए, इसको बताइए, हम लोग कोशिश करें, मुक्ति बोध ने कोशिश की थी, निराला से ज्यादा प्रसाद ने की थी, कहानी के अंदर सर्गों को छोड़कर टोटल ये सब बना सकती। अब ये मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि सौंदर्य कहाँ है साहित्य में, मानते हैं ना सौंदर्य और सत्य शिवम रहता है, सत्य ये आप देखते हैं एक बहुत बड़ी बात है, साहित्य की जो सौंदर्य की कॉन्सेप्ट है और सोशियोलॉजी में जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है काफ़ी अंतर रखते हैं। उदाहरण के लिए साहित्य में जो होता है वह जो असली बात है व्यूज होते हैं दृष्टिकोण, सोशियोलॉजी में क्या दृष्टिकोण है वो आपका ब्यूटी डिसाइड करेगा, चित्र में रंग क्या है और लक्ष्य क्या है, कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे मुस्कान है, आप क्या है। दूसरा आप समझदारी क्या है आपकी, अगर ये समझदारी है कि भाजपा की मीटिंग में भी आपको ये कहा जाए राजनाथ सिंह ये कहें तो आप जो भाषण देते हैं जितना बंद कर दिया है तो अर्थ निकल जाता है, ये समझदारी आती है। और दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया फिलासफी वाइज आइडियोलॉजी को भी देखकर तो लेकिन कम से कम कमिटमेंट होना चाहिए। ज्ञान की तीन सीढ़ियाँ हैं जिसे सोशियोलॉजी में, पहली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है अकाउंटेबिलिटी है और तीसरी है कमिटमेंट। केवल कमिटमेंट से काम नहीं बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। हम सोशियोलॉजी में अमेरिका में मैंने विद्रोहियों से कहा भी वहाँ भाई कि तुम मुझे क्यों मरा लिया, कहते आपको हमारा क्या भी मान लोगे, हम लोग तो मजे हुए हैं अपने अपने दिशाओं में, हमें कोई मतलब नहीं सुन समाज जनता से। तो ये इसको आप कहते हैं नज़रिया, तो नज़रिए में थोड़ा थोड़ा बदलाव तो नई पीढ़ी में तो आ ही रहा है और सर्वाधिक हरियाणा और पंजाब में मैं नारियों में देख रहा हूँ, हमारे वेशभूषा बदल गई है, लेकिन निष्कर्ष कामन क्या खूबसूरत बात है, लोग कहते हैं इससे कोई तेजी करता बाहर में जाए मेरी बच्चियाँ निकलती है कोई बाजार में कुछ कर दें, थोड़ा सा लेकिन के वाक्य दोहराते हैं कि ये मुर्गियाँ नहीं हैं, तुम लोग
जला रहा हो उनके और कभी नहीं बैठना। और आज कितने साल हो गए 1923-24 के बाद, आज तक जो शुरू की पब्लिक सर्विस में कहीं भी होता है बोलता नहीं, क्या बड़ी बात। तो हरीश भदानी का मैसेज हम जोड़े पद खूबसूरत शहर को बड़े दूर दूर तक ले जाए। और ये मनोग्राम निकला है साहित्य अकेडमी से, ये बहुत अनुपम देन है। लेकिन एक और आकर कि हरीश भदानी के थोड़ा जीवन चले और उनकी चुनी हुई कविताएँ आप चाहे फोटो कॉपी करा के हर शहर की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भिजवा दें। इतना कर तो सब पढ़ने की आदत खत्म हो गई, क्योंकि हिंदी तो वहाँ से छुट्टी करूँगा। हिंदी बहुत अधिक ज्ञान की शत्रु है, एंटी नॉलेज ह्यूमन हिंदी में बहुत ज़्यादा है। ज्ञान नए विचार नए क्रांति दूर है, ये सब समाज में मिला करके कौन पढ़ रहे हैं, ये किताबी बातें करता है और ज्ञान को अब खत्म कर। हरीश भदानी ने जो मशाल जलाई है आज एक चौथाई ऑडियंस पीछे बाहर सुन रही है सब, ये भी फिल्म कर लीजिए। सबसे बड़ी बात कहाँ है, लोग कहाँ लगा के सब रहे, करीब 4-7 लोग हैं, युवक हैं, नारियां हैं, ऐसे शानदार अद्भुत उसकी हमने हमारे गुरुदास सिंह का अभी हम लोगों ने वो मनाया नहीं है मरीजा दीवा के लेकर, बड़ी ट्रेजेडी है। 12 लोग इकट्ठे बस भारत। और यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए 1200